किसी भी बाइक या स्कूटर में जब क्रैंक खराब हो जाती है तो उसकी आवाज़ कैसे आती है, इस वीडियो में मैं आपको ये दिखा के और सुना के पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये है हीरो की HF डीलक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे मीटर में तो भाई 43,000 ही चली है, लेकिन ये बाइक चली है लगभग 80,000 किलोमीटर, क्योंकि इसका टायर चेंज हो चुका है। और इंजन की हालत आप देख सकते हैं, कोई बाहर से देखने में बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं स्टार्ट करके आपको सुनाऊंगा इसकी क्रैंक की आवाज़, और आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहाँ से आती है वो आवाज़ और वो बिल्कुल अलग ही होती है, कोई भी आदमी उसको जान सकता है। और अभी मैं इंजन खोलने जा रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। चाबी स्विच ऑन हो गई है। अभी ये जो आवाज़ है ये पिस्टन की है, क्योंकि जब 80,000 चल जाता है तो पिस्टन ढीला हो जाता है। लेकिन अब आप सुनेंगे जैसे जब आप एक्सेलरेट करते हैं तब क्रैंक की आवाज़ आती है, ये एक्सेलरेट करने पर जो मोटी मोटी सी आवाज़ आ रही है, और ये धुआं भी दे रही है। ये आप देख सकते हैं, तो इसमें जैसे पिस्टन की भी आवाज़ है, क्रैंक की आवाज़ है, लेकिन क्रैंक की थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ है, इसलिए पूरा इंजन खुलेगा। ऐसा नहीं कि हाफ इंजन का काम होगा और बाद में दिक्कत हो, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको स्टार्ट करके सुना देता हूँ। यहाँ पर भी क्रैंक की आवाज़ आ रही है, लेकिन जो लोग मैकेनिक नहीं है, जिनको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो जान नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको लाइव आवाज़ सुना दे रहा हूँ, जिससे अगर आपकी बाइक में कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आप ये जान लें कि क्रैंक की आवाज़ कैसे होती है। तो अब आप थोड़ा सा और नज़दीक से सुन लें। ये अब आप सुन सकते हैं, ये और अब मैं इंजन खोल लेता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं कि क्रैंक में क्या क्या ख़राब होगा। ये सारी चीज़ें अब खोलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। हीरो HF डीलक्स। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस HF डीलक्स के इंजन को खोल दिया है और यहाँ पर ये पूरा इंजन खुला पड़ा है, यहाँ पर आप देखेंगे। और यहाँ पर ये है क्रैंक, और यहाँ पर ये क्रैंक की बैरिंग होती है ये दोनों, और ये है क्रैंक की ये कनेक्टिंग रॉड सेट होता है। ज़रा अब दिखाओ राहुल, हल्का हल्का हल्की हल्की आपको आवाज़ टिक टिक की सुनाई दे रही होगी, जो कि इसमें ये जो अरे रुक जाओ, ये पिन होती है, ये पिन कट जाती है या फिर ये रॉड कट जाती है या फिर बैरिंग फूट जाती है। तो अभी ये इसको जाकर खोल के रिपेयर करवाएंगे, उसके बाद मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाऊँगा कि क्या इसको लेकर आना भाई, पिन और रॉड, ठीक है। ये है सिलेंडर किट। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी कि फ्लश आयल मेरे हिसाब से सही नहीं है, बाकी दुनिया में कितने भी इंजीनियर हैं वो कहते हैं कि फ्लश आयल बहुत सही है, तो आप करवाओ, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 80,000 किलोमीटर ये बाइक चली है और इसका इंजन पहली बार खुला है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि टाइम टू टाइम इन्होंने सर्विस करवाई हम लोगों से और हम लोग इसकी सर्विस करते रहे, और इंजन ऑयल कोई महंगा नहीं, सस्ता सा इंजन ऑयल डालते रहे, और आप देख सकते हैं इंजन बिल्कुल क्लियर है, नीट एंड क्लीन आप इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे थोड़े बहुत पार्ट घिसेंगे तो ये तो रहेंगे, ये तो धुलाई में साफ़ हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिना क्लच किए हुए भी इंजन बिल्कुल सही चलता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे आप देखेंगे ये है सिलेंडर किट, और आपकी बाइक में आप देखेंगे इसमें कुछ लाइनिंग पड़ी हुई है दोस्तों, ये कट जाती हैं चलते चलते, जिससे धुआं हुआ देने लगती हैं। तो ये लंबा केस है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको क्रैंक दिखाना चाहता था कि क्रैंक कैसे होती। बाकी यहाँ पर क्लच हमने खोल रखा है और क्लच का काम करेंगे। स्पेशली मैं आपको क्रैंक के बारे में बताना चाहता था, क्योंकि जिससे आप लोगों को, हमारे व्यूअर्स हैं, तो आप लोगों को जानकारी हो सके। तो अब राहुल जा रहे हैं, इसको खुलवाते हैं। थोड़ा सा प्रमोशन कर दूँ, M2R ऑल इन वन पॉलिश लगाइए कम कीमत में, प्रीमियम पॉलिश, ये है BPM मोटो केयर की M2R प्लस पॉलिश, जिससे आपकी बाइक 80,000, 1,00,000, 2,00,000 चलने के बाद भी चमचमाती रहे और एकदम झक्कास बनी रहे।
तो राहुल जाओ इसको खुलवा के लाओ, तब उसके बाद आपको बताते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्रैंक को रिपेयर करवा लिया है। इसकी रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड सेट पूरी नई लग चुकी है। दोनों ये बैरिंग बिल्कुल नई लग चुकी हैं। इधर आप देखेंगे दोनों बैरिंग इसकी बिल्कुल नई है, और इसकी दोनों पुरानी बैरिंग यहाँ पर रखी हुई हैं, ये हैं। और इसकी जो मैं बात कर रहा था, ये आप देखेंगे यहाँ पर, आप ध्यान से देख सकते हैं इतना हिस्सा इसका कट चुका है। ये यहाँ से लेके इतना हिस्सा इसका कट चुका है, जिसकी वजह से इसमें आवाज़ आने लगती है। और ये है इसकी पिन, ये है इसकी बैरिंग, और ये है इसकी रॉड। तो यहाँ पर रॉड ना कटने की बजाय इसमें पिन कटी हुई है, जिसकी वजह से क्रैंक में आवाज़ आ रही थी। अब कुछ लोग केवल पिन बदल देते हैं, रिपेयर करवा लेते हैं, कुछ लोग बैरिंग में मोटा छर्रा वर्रा लगा देते हैं, कुछ लोग इसको कनेक्टिंग रॉड जो है इसको चेंज कर देते हैं, मतलब कुछ लोग रिपेयर करवाते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है, मैं इसको पूरा सेट चेंज करवाता हूँ और बैरिंग के साथ चेंज करवाता हूँ, जिससे कस्टमर की गाड़ी बहुत दिनों तक बहुत ही सुचारू रूप से चलती रहे। हमने नया पिस्टन चेंज कर दिया है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप 2500 किलोमीटर पर सर्विस करवाया करें, तो ये जीरो नंबर पिस्टन है, मतलब स्टैंडर्ड साइज पिस्टन है। और आप देखेंगे 80,000 चलाने के बाद इसमें 25 नंबर पिस्टन पड़ रहा है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 25 नंबर, तो इसमें 25 नंबर पिस्टन दोस्तों पड़ गया है, मतलब पहली बार इसका इंजन खोला है। तो हमने इनको रिकमेंड किया था कि आप 2000 से 2500 किलोमीटर चलाया करो, तब सर्विस करवाया करो। 80,000 किलोमीटर लगभग, या 90 भी हो सकती है, इतना चलने के बाद इसका इंजन खुला है। तो अब इस चीज़ को अगर आप पालन करेंगे तो आपकी बाइक भी चलेगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ओरिजिनल पिस्टन हीरो का इसमें लगाया है। राहुल इसको जरा आके खोल दो यार, ये ओरिजिनल हीरो का लिया है। चाहे तो मैं ऊषा का डाल सकता था, या टीपी का डाल सकता था, मैले का डाल सकता था। अब आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही, मतलब जितना चीनी आप डालेंगे उतना ही मीठा होगा। इस चीज़ को आपको समझना होगा। अगर आपको कोई ओरिजिनल काम करेगा तो पैसे थोड़े से ज़्यादा लगेंगे। जैसे कि इस चीज़ को आप, अरे सब काहे निकाल रहे हो बाबू, ये दिखाओ, ये इसमें ये इसकी रिंग है, और ये 25 नंबर। अब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि हमने इसमें 25 नंबर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्टिंग रॉड सेट महंगी आती है, 675 रुपये है। तो 675 रुपये की जब रॉड हो गई, और 300 रुपये की इसकी बैरिंग हो जाएगी। NBC की हमने बैरिंग डाली। अब आप कहेंगे इसको ओरिजिनल क्यों नहीं डाला, ये हमारा मेथड है इंजन बनाने का। अब सबका इंजन का मेथड अलग होता है, हम अपने हिसाब से डालते हैं कि जो चीज़ बेहतर चल सके उस चीज़ का उपयोग हम करते हैं, इसीलिए कम पैसे बिल में ज़्यादा बेहतर तरीके से हम बाइक को बना पाते हैं। तो NBC की बैरिंग, मतलब अगर मैं चाहता तो हीरो की पन्नी रख देता कि भैया ये हमने डाला, लेकिन नहीं, जो हमने डाला है वही हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब आप जोड़ लीजिए कि लगभग 650 और लगभग 150-200 रुपये इसको रिपेयर करने के, तो 1100-1200 रुपये में केवल क्रैंक बन रही है, और कुछ लोग इसको 500 रुपये में रिपेयर कर देते हैं, तो कैसे हो जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आप हंस के गाल नहीं फुला सकते। अब इस बाइक का इंजन बनके कंप्लीट हो चुका है, और मैं आपको इसका साउंड सुनाना चाहूँगा। और इसको बनाते काफ़ी देर हो गई, आप देखेंगे 9:17 हो रहे हैं, 11 तारीख है ये, और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले आपने बिना साइलेंसर के साउंड सुन लिया होगा, तो अब मैं बिना देरी के स्टार्ट कर देता हूँ और आप लोग सुनो। पहले आप आइडल कंडीशन पर साउंड सुन लो, बिल्कुल कोई भी साउंड इसमें टिक टिक पिक पिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब सामान लगेगा और बेहतर तरीके से बनाया जाएगा तो कोई भी, अभी यहाँ पर आइडल पर कोई साउंड नहीं है, और आप सुन सकते हैं, मैं तसल्ली से सुना देता हूँ आपको। मैं एक बार बंद करके स्टार्ट कर देता हूँ आपके लिए। अरे रुक जाओ यार, अब मैं एक बार फिर से बंद करके, क्योंकि आवाज़ आ गई थी। और अब आप आइडल कंडीशन पे साउंड सुन सकते हैं, जैसे नई बाइक का साउंड होता है वैसा ही आ रहा है।
कोई भी एक्स्ट्रा साउंड इसमें नहीं है। आप यहाँ पर भी सुन सकते हैं और यहाँ पर भी। अभी मैं ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी बिल्कुल नया इंजन बना है और मैंने इसके अंदर सिलेंडर किट ना डाल के पिस्टन डाला है, तो ऐसे में अभी मैं इसको ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे आपको साउंड सुनाना था तो मैंने आपको साउंड सुना दिया है, जिससे आप लोग देखें कि कैसे हम इंजन को बनाते हैं। अब हमारे हिसाब से बिल्कुल एकदम आइडल कंडीशन पे आवाज़ नहीं है, 1000 RPM पर ये लगभग सेट है, क्योंकि RPM मीटर तो इसमें है नहीं, तो लगभग 1000 RPM से भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम है, इतना गजब सेट हुई है। और ये कार्बोरेटर की स्थिति ऐसी है। तो अब आप लोग ये खुद सोच लें कि जब हम इस बाइक का या कोई भी बाइक का इंजन बना सकते हैं इतना बेहतरीन तरीके से, तो हम आपके लिए पॉलिश और शैम्पू भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो ये है M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश और ये है M2R शैम्पू। अगर आपको किसी भी प्रकार के शैम्पू या पॉलिश की ज़रूरत है तो आप हमारी कंपनी का ख़रीदें और इससे हमारी मदद भी होगी और आपको एक बेहतर प्रोडक्ट प्रीमियम पॉलिश कम कीमत में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर चेक करो और अपनी बाइक या स्कूटर की वैल्यू और रीसेल वैल्यू को बढ़ाओ। उस पर लगाओ M2R प्लस पॉलिश या फिर M2R स्पेशल पॉलिश, कॉम्बो में भी आपको मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट अमेजन और शॉपी पर मैं आपको मिल जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।